हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम हैं एक थ्रेड फैक्ट्री में और आज हम देखेंगे कि ये फैक्ट्री कैसे वर्क करती है। ऑल दो ये फैक्ट्री करेंटली वर्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कैसे प्रोसेसेस होते हैं ये हम देखेंगे आज। क्या बनता है तो ये इसी से हम यहाँ पे धागा बनता है और फिर यही धागा जाता है आगे कपड़ा बनने के लिए। ये पॉलिएस्टर के इसका थ्रेड बनता है और यहाँ पे आके फाइनली ये इसको पटाया जाता है। हाँ, यहाँ पे लिपटा हुआ धागा है, ये ऐसे यहीं से, ये ऊपर से आएंगे, ये थ्रेड्स ऊपर से थ्रेड्स आएंगे और इनको फाइनली इसके अंदर बाइंड किया जाता है इन मशीन्स के अंदर। यहाँ पे थ्रेड्स को बाइंड करके रखा हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया इससे पहले जो बाइंडिंग हो रखी थी उसी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे फैब्रिक का फॉर्मेशन ईजी हो सके। तो ये पैकिंग, ये फाइनल हमारे थ्रेड्स फॉर्म हो जाते हैं यहाँ पे और इसको पैक करके वहाँ पे इन कार्टून से पैक किया जाता है और फिर बाहर भेजा जाता है और इनसे क्लोथ बनते हैं। ये पॉलिएस्टर का है, यहाँ पे ये पॉलिएस्टर यार्न भी लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये पॉलिएस्टर के ये थ्रेड्स बन रहे हैं। जो रूलर था उसमें गाना कहता रहेगा, वो घूमता रहेगा, वो हीटर लगा हुआ मेल्ट हो जाए, फिर वो गल जाएगा, गल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये यहाँ पे एक मोटर दिखता है, इसी में जो पॉलिएस्टर स्लीव होंगे उनको यहाँ पे डाला जाएगा जो फाइनली मेल्ट होकर फाइनली थ्रेड की फॉर्म में आएंगे। तो फ्रेंड, हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें हम पढ़ते हैं यार्न बनता है, जिसका फाइबर बनता है, जिससे फाइनली फैब्रिक बनता है। तो कैसे बनता है वो आज हमने इस फैक्ट्री में देख लिया है। फ्रेंड, यहाँ से अंकल आम तोड़ रहे हैं। देखा, ये आम कुछ मीठा निकलेगा। कौन सा आम है? यहाँ से अंकल बेल तोड़े, बेल का जो फल होता है कहीं कोई भी गिर जाएगा, ए गिरा शायद। देखते हैं अंकल क्या कर रहे हैं। ये कहते हैं गरम हो गया, ये बेल है। और फ्रेंड्स, आप लोग ने कटहल की सब्जी तो खाई होगी। फ्रेंड्स, ये कटहल है, ये हम लोग को एकदम हाथ के पास में, मतलब एकदम नीचे है, तो मैं इसको तोड़ सकती हूँ। यहाँ पे भी है, ये है बेल। ये बेल है, बेल का जो फल होता है ये कच्चे वाले, जो मेरे ऊंच से ऊपर है तो मैं ये नहीं कर सकती।